और uh, मुझे ये समझ में नहीं आता कि uh, हमें औरतों की सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए या हमें यू नो वेफ टू प्रोटेक्ट वीमेन और वीमेन राइट्स या उनको संभालने की ज़रूरत है ताकि उनके साथ ये ना हो इट्स सो सो इज बिकॉज आप अपने लड़कों को बदलो आप उन्हें सिखाओ कि यह नहीं होना चाहिए एजुकेट योर बॉयज एंड नॉट टेल द वुमेन टू बिहेव सर्टन वे इन फ्रंट ऑफ मैन कंसेंट सिखाओ कंसेंट सिखाओ कंसेंट कितनी कंसेंट से ज्यादा कितनी सारी चीजें माई पॉइंट इज एजुकेट दैम अबाउट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग हम हमारे हमारे घरों में uh, सेक्स को लेकर इतना बड़ा टैबू हुआ करता था और आई थिंक इंडिया में कई जगहों पर आज भी है कि उसके बारे में बात नहीं होती है शु, शु, एक वो देश जो सेक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा लेकिन आगे। आगे है लेकिन पॉपुलेशन में सबसे आगे काम से वहां से काम से उतरा है माई पॉइंट इज हम हम दिस इज दिस इज इज द द प्रॉब्लम प्रॉब्लम इन 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 एजुकेटिंग योर आप अगर किसी के बाप है अगर आपने अपने लड़के को थप्पड़ नहीं लगाया जब उसने ऐसी कोई बात या ऐसी कोई हरकत की या ऐसा कुछ भी आपको बचपन में भी नजर आया कि यार ये दिस 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 बिहेवियर इज नॉट ओके anything that's, that's against, anything that's a bit sexist, anything that's a bit derogatory, just even the way you look, or just even the way you make a comment, or anything of that sort of know this is the same earth, the same plane that we all are walking on. we're breathing the same air. we're living on the same land. you know, why is it that men are absolutely okay and women are uh, threatened by just the presence of men? that's a weird dynamic that we're living in. so i feel to change,

And it is, and I am, I am, I am so happy that you know there are so many people who are coming uh, together uh, for protests and for uh, you know wanting for some action to happen, some some uh, you know uh, decision to be made so that things can change. It is very very important. हमारे पास यही हमारे पास सिर्फ आवाज है talking about yeah, अगर मुझे uh, मुझे मेरे हाथ में कोई कोई भी पावर ना तो मैं मैं काट के मारूंगा इनको और इतनी बुरी मौत मारूंगा और दिखा के मारूंगा ताकि पूरी दुनिया को वो नजारा देखने को मिले शायद वो देखने में इतना घ्रूसम होगा कि आप और मैं भी देखकर कर लगेंगे कि, कि यार लेकिन वैसे ही मारूंगा क्योंकि आई थिंक ये ये बहुत बड़ा पाप है यार ये मतलब दिस इज यू इसका कोई जस्टिफिकेशन इसका कोई माइंड सेट इम्बेलेंस है वो मेंटली इल है वो दिमाग से सही नहीं है ना या तो उसको या तो उसको जीवन भर के लिए कैद कर दो अगर वो अगर इफ इज सॉर्ट ऑफ टू बी मेडिकली एंड क्लिनिकली यू नो इल उसको समाज से हटाओ उसका दोबारा समाज में आना बंद अगर आप उसको ऐसी ऐसी जगह पे साला कहीं पे भेजो जहाँ पर उसका बाकी किसी के पास कोई एक्सेस ना हो या तो कोई ऐसा इंसान जो ये जो ये करके बैठे हुए हैं मतलब काट के खत्म करो सिंपल एज एट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन